गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 15 लिविंग टुगेदर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपके पास देखेंगे? फ्रेंडली एनिमल्स। उन एनिमल्स की हम बात करेंगे जो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है, बहुत हमारे साथ अच्छे से रहते हैं, हमको परेशान नहीं करते। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या याद आ रहा? डॉग। ठीक है, पेट्स आर एनिमल केप्ट बाय अस एज स्पेशल फ्रेंड। पेट्स वो एनिमल जिसको हम रखते हैं एज ए हमारे स्पेशल फ्रेंड। डॉग्स एंड कैट्स आर सम ऑफ द पैट एनिमल कैप्ट एट होम। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ये कुछ एनिमल है जिसको इंसान रखना पसंद करता है, ह्यूमंस रखते हैं अपने पास में। वी प्ले विद अवर पैट, हम हमारे पैट के साथ खेलते हैं। दे नीड केयर एंड अटेंशन, उनको क्या चाहिए? केयर एंड अटेंशन। डोमेस्टिक एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड गॉट ऑल्सो लिव विद अस एंड जनरली नॉट शाय। देखो, जो काउ हो गई, बफेलो हो गई, गोट हो गई, ये भी बहुत सारे लोग रखते हैं। ठीक है, ये उनको देखभाल करते हैं, उनका फ्रेंडली एनिमल एक तरह से काउ। समझ रहे क्या बोल रहे हो? कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को आप रखते हैं अपने पास एज ए पेट, ताकि आप उनका ध्यान रख सके। समझ रहे? फिर शाय एनिमल, वो एनिमल शर्मा जाते। देर आर मेनी एनिमल्स हु रन अवे व्हेन समवन अप्रोच देम। बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो भाग जाते हैं जब कोई भी उनके आसपास जाता है। दे आर स्कैर्ड ऑफ पीपल, स्कैर मतलब डर लगता है उनका पीपल से, लोगों से। यू मस्ट हैव सीन स्क्विरल, गिलहरी इन योर गार्डन। स्क्विरल आर शाय एनिमल, एग्जाम्पल है शाय एनिमल का स्क्विरल। व्हेन वी गो नियर स्क्विरल इट रन अवे, व्हेन वी गो नियर टॉर्टोइस, किसी टॉर्टोइस के पास जाओ कछुए के वो भी छुप जाता है। इमीडिएटली मतलब जल्दी से ड्रॉस इट्स हेड इनटू द हार्ड शेल इट कैरीज ऑन इट बैक। जो ये हार्ड शेल इसके ऊपर कैरी रखता है, इसके अंदर चला जाता है जल्दी से, जैसे ही आपने उसके आसपास जाने की कोशिश करी। रैबिट एंड मंकी आर ऑल्सो शाय एनिमल, रैबिट और मंकी भी शाय एनिमल के ही एग्जाम्पल है हमारे पास। फिर हमारे पास एनिमल सेंसेस, क्या एनिमल सेंसेस को देखेंगे? ईयर्स, एनिमल सेंस कैसे करते हैं, सुनते हैं कैसे, देखते हैं कैसे, इनकी बात करो। सम एनिमल हैव एक्सटर्नल ईयर्स, एक्सटर्नल मतलब जैसे अपने ना बाहर में ऐसे एक्सटर्नल होते हैं, व्हाइल सम है इंटरनल जिसके बाहर नहीं होते। द शेप एंड साइज ऑफ ईयर ऑल्सो वेरी विद एनिमल, जो शेप है और साइज है हर एनिमल का अलग अलग होता है। एनिमल लाइक डॉग कैट लायन हैव एक्सटर्नल ईयर, डॉग हो गया, कैट हो गया, लायन हो गया, इनके एक्सटर्नल बाहर की साइड होते हैं ईयर। एलिफेंट हैव बिग फैन लाइक ईयर, एलिफेंट के बड़े बड़े कान होते हैं, देखा गया आपने। फिर इन सम एनिमल ईयर्स आर वेरी स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू सी, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें ईयर इतने छोटे होते हैं कि इतने ही नहीं। सच ईयर आर कॉल्ड इंटरनल ईयर, एग्जाम्पल बर्ड्स होल्स इन देयर हेड फॉर हियरिंग। बर्ड्स के हेड में एक छोटा सा होल होता है जिससे वो सुनते हैं, कभी देखा थोड़ी, लेकिन अपन इतने छोटे होते इतने ही नहीं, इसलिए उनको कहते हैं इंटरनल ईयर्स। ठीक है, हेयर, एनिमल लाइक या मस्क ऑक्स एंड बियर लॉन्ग हेयर एज दे लिव इन कोल्ड रीजंस। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास स्वेटर है, ठीक है, ठंड आएगी स्वेटर पहन लेंगे, एनिमल्स के पास तो नहीं। तो जो एनिमल ठंडे इलाकों में रहते हैं, कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, भगवान ने उनके ऊपर एक हेयर की लेयर चढ़ा दी, बहुत सारे हेयर की। वो हेयर क्या करते हैं, उस एनिमल को ठंड से बचाते हैं, ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। फिर क्या है, सिमिलरली एनिमल लाइक डियर, ज़ेब्रा, जिराफ, टाइगर हैव वेरी शॉर्ट हेयर बिकॉज दे लिव इन हॉट एरिया। अगर बात सोचो, आप गर्मी में थोड़ी स्वेटर पहनोगे, तो जो एनिमल रहता है गर्मी के एरिया में, हॉट रीजन में, उसको क्या जरूरत हेयर की उसकी बॉडी पर, इसलिए उनके पास नहीं होते। तब पॉइंट समझ पा रहे क्या बात कर रहे हैं, हेयर्स के बारे में और ईयर्स के बारे में। ओके, फिर पढ़ेंगे हनी बी के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान सुनना। हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट, हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है, मतलब रहता है हमारे आसपास ही रहती है। दे लिव टूगेदर इन बिग ग्रुप कॉल्ड स्वार्म, इनके जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं स्वार्म। द बिग बी हाइव मोस्ट फ्रॉम द हाई ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज, अपना बी हाइव छत्ता कहाँ बनाते हैं, किसी भी पेड़ की लंबी डाली पर।
हनी बी आर ऑफ थ्री टाइप्स, हनी बी थ्री टाइप की होती है, क्वीन बी, वर्कर बी एंड ड्रोन बी। डायग्राम में देख पा रहे हो क्वीन बी सबसे बड़ी होती है ना। फिर हैव यू सीन हनी बी हॉवरिंग ओवर ऑन सिटिंग ऑन फ्लावर, क्या किसी हनी बी को फ्लावरिंग फ्लावर के ऊपर देखा या उड़ते हुए देखा। डू यू नो व्हाई दे आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर, क्या आप जानते हो फ्लावर से क्यों अट्रैक्ट होती है। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बिकॉज फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड सम ऑफ देम हैव अ स्वीट स्मेल। अब बात सब जानते हैं हनी में क्या बनाती है, हनी जो होता है स्वीट, वो हनी बना कैसे, जो फ्लावर्स के ऊपर जाती है ना वहां से स्वीट जूस निकाल के लाती है फ्लावर का और फिर उससे बनाती है अपना हनी। डू यू नो दैट हनी बी एंड फ्लावर हेल्प ईच अदर इन अ बिग वे, क्या आप जानते हैं हनी बी और फ्लावर एक दूसरे को बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। कैसे, हाउ फ्लावर प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर, जो स्वीट जूस की बात करो ना उसको नेक्टर कहते हैं। हनी बीज विजिट फ्लावर टू गेट दिस नेक्टर, हनी बीज नेक्टर को ले जाती है। दे हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग कॉल्ड प्रोबोसिस, इनके ऊपर इनके पास एक बाइक पाइप जैसी बड़ी सी होती नली जिसको हम कहते हैं प्रोबोसिस, ठीक है, यहाँ होती है। उससे क्या होता है, ये किसी भी चीज पर बैठ कर उससे उसका जूस निकाल सकते हैं, सक कर सकते हैं। When they stick on flower, they insert the proboscis into the flower and suck the nectar. फिर फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन, फ्लावर हमेशा पॉलन को प्रोड्यूस करता है। अब पॉलन क्या होता है, ठीक है, When honey bees busy sucking nectar from the flower, pollen grains stick to it. क्या होता है, फ्लावर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, किसी भी फ्लावर से फ्रूट को बनने के लिए वो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। ट्रांसफर कैसे होगा, जो हनी बी है वो अपना स्वीट जूस लेने कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, वो जाएगी अपना स्वीट जूस लेने के लिए फ्लावर के पास। जैसे ही फ्लावर के ऊपर बैठी, फ्लावर से उसने जूस लिया लेकिन पॉलन उसके पैर में चिपक गए। फिर दूसरे फ्लावर पर जाएगी नेक्टर लेने, तो वहां जब लेगी तो जो पहले फ्लावर के पॉलन ग्रेन से वो वहीं गिर जाएंगे, हो गए ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स। फिर व्हेन हनी बी मूव ऑन टू अनदर फ्लावर, सम पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लावर फॉल ऑन द सेकंड, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। दिस हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू सीड्स, इससे न्यू सीड बनते हैं और नया प्लांट ग्रो होता है। दिस इज हाउ हनी बी एंड फ्लावर हेल्प ईच अदर, इन तरीके से फ्लावर हनी भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ऑब्टेनिंग हनी, हनी कैसे मिलेगा, हनी भी प्रोटेक्ट देयर हाइव बाय अटैकिंग द पर्सन एनिमल अप्रोचिंग द हाइव, हनी भी हमेशा अपने हनी को प्रोटेक्ट करती है, जैसे ही कोई एनिमल या इंसान गया उसके ऊपर अटैक कर दे। दे अटैक देयर एनिमी विद द स्टिंग, अपने डंक से उनको अटैक करती है। व्हेन वी वांट टू गेट हनी फ्रॉम अ बी हाइव हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ बिग ट्री, वी मेक अ फायर अंडर द ट्री, जब भी हनी चाहिए हम उस ट्री के अंदर नीचे छोटी सी आग लगाते हैं, जो स्मोक धुआं उठता है उस धुएं से सारी की सारी हनी भी वहां से भाग जाती है। द स्मोक एंड द हीट फोर्स द हनी टू लीव द हाइव, व्हेन द हनी वी लीव द हाइव वी कलेक्ट द हनी फ्रॉम द हाइव, जैसी हनी भी गई हम वहां से उसको हनी को ले लेते हैं। हनी इज एन एंटीसेप्टिक एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, एंटीसेप्टिक मतलब आपकी बॉडी में चोट हो गई आपकी बॉडी के डिसीजेस को सही करने में काम करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। इट इज यूज इन मेकिंग मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड, कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन इससे बनती है। द रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज एपिकल्चर, बहुत सारे हनी बीज को बहुत से लोग पालते भी हैं, तो जो लोग पालते हैं ना उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपिकल्चर। द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड अपायरी, और जहां पर उसको रखा जाता है हनी बी को इन चीजों के लिए उसको कहते हैं अपायरी। ये डायग्राम हम देख पा रहे हैं, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अपायरी, ठीक है, बॉक्स से ये नीचे सारी हनी बीज है, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल तरीके से रखा गया है, ये ऊपर एक होल, ओके। इस टॉपिक के साथ आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है, ओके, थैंक यू।